सर ये देखिए स्पीड जैसे हमारा होता है, यहाँ से स्पीड हम चेक कर सकते हैं, इससे कम बढ़ सकता है, इससे कम हो सकता है। यहाँ 27 दिख रहा है, 26, 28, ऐसे कम होता चला जाएगा, इससे बढ़ेगा। इसकी लिमिट है 27, 27 पर अपना एंटर कर देना। ये हमारी मशीन चलने के लिए तैयार है। इसको हमने इसका टांका छोटा करना है। ये स्टिच है, ये हमारे पैटर्न है सारे। अभी चल रहा हमारा पैटर्न 16/1 का, ये 10/2 का चलाना है। एंटर, ये चलने के लिए अब ये कम आ गया। मैक्सिमम जो होता हमारा मैक्सिमम टांका जो चलता है हमारा यही चलता 10/2 का 2.0, ये 16/1। ये कंपनी की सेटिंग होती है हमारी, ऐसे नॉर्मल सेटिंग जो चलते हैं हम आम हमको चलाना है 10/2 का। सबसे खास बात इस मशीन में ये है, आम मशीन में जो मोटर होती है उसकी स्पीड होती है 2850, जितनी देर में वो 2850 घड़ी लेता है उतनी देर में ये 6000 घड़ी लेता है। ये ऐसी मशीन है। आपके सारे पैटर्न दिख रहे हैं आपको, नॉर्मल जो पैटर्न होता है, सबसे नॉर्मल पैटर्न होता है इसका। अब नीचे पैटर्न खुलते जाएंगे आपके, ये सारे पैटर्न, इतने पैटर्न बना सकती है, 25 पैटर्न है इसमें, जो पैटर्न चाहो वो पैटर्न आपको बना देगा। जिग जैग कर सकते हो, आम पैटर्न जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, बस हमने पैटर्न सेलेक्ट करना होता है। हमारा पैटर्न दूसरे नंबर पे चल रहा है, तीसरे नंबर पे चला के देख लेते हैं। अब इन तीनों पैटर्न देखो कितना फर्क है। ये इन्वर्टर पे भी चला सकते हो, इन्वर्टर पे भी मशीन चल सकती है, इसको हमने सिर्फ सेफ्टी लगाना होता है। फैक्ट्री में सर्वो नहीं, सर्वो लगाओ सबसे बढ़िया मशीन चलती है। अब हम पैटर्न दूसरा लगा चेक कर सकते हैं, चौथा पैटर्न चेक कर सकते हैं, चौथा पैटर्न चेक करने के लिए इसको हमने चौथा बटन चलाने के लिए हमको ना इसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अंदर से। ऐसे फिलहाल हमारे 3 पैटर्न बहुत होते हैं चलने के लिए। आम सिलाई हमारी 2 नंबर पे ही चलता है। ठीक है सर।